हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको लॉन्ग यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ने व लिखने के रूल्स बताऊंगा। इससे पहले आपने लॉन्ग यू साउंड की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने लॉन्ग यू का केवल वाउल साउंड पढ़ने व लिखने के रूल्स बताए थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में लॉन्ग यू का कंसोनेंट साउंड पढ़ने व लिखने के 5 रूल्स बताने वाला हूँ, जिन्हें आप सीखकर ये समझ पाएंगे कि कब लॉन्ग यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है और इसके ऑल्टरनेटिव वाउल्स कौन कौन से होते हैं। सो गाइस, लॉन्ग यू कंसोनेंट साउंड के ऑल्टरनेटिव वाउल्स के रूल सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अब समझिए यू का कंसोनेंट साउंड पढ़ने व लिखने का तरीका। तो गाइस, इसका रूल है, जब किसी शब्द में यू के बाद एक लेटर छोड़कर ई दिया हो तब यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। जैसे फ्यूज, फ्यूज शब्द में यू के बाद एक लेटर एच छोड़कर ई आया है, इसलिए यू का कंसोनेंट साउंड यू होगा, इसलिए इसे फ्यूज पढ़ा जाता है, और फ्यूज मीन्स होता है जोड़ना। इसी तरह से क्यूब, क्यूट, म्यूट, फ्यूम, ह्यूज, यूज, ट्यूब, ट्यून, न्यूड, प्यूक। तो गाइस, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब शब्द में यू के बाद एक लेटर छोड़कर ई दिया हो तब यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। गाइस, अब समझिए यू का कंसोनेंट साउंड पढ़ने व लिखने का दूसरा तरीका, और इसका रूल है, जब किसी शब्द में यू के बाद एक लेटर छोड़कर कोई वाउल ए आई ओ यू हो तब यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। जैसे ह्यूमन, ह्यूमन शब्द में यू के बाद एक लेटर छोड़कर ए आया है, इसलिए यू का कंसोनेंट साउंड यू होगा, इसलिए इसे ह्यूमन पढ़ा जाता है, और ह्यूमन मीन्स होता है मानव। इसी तरह से म्यूजिक, प्यूपिल, यूनाइट, यूनिकॉर्न, यूनिफॉर्म, क्यूपिड, ब्यूगल, यूनिट। तो गाइस, इन सभी शब्दों में यू के बाद एक लेटर छोड़कर कोई ना कोई वाउल आया है, इसलिए यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा गया है। गाइस, अब समझिए यू का कंसोनेंट साउंड पढ़ने व लिखने का तीसरा तरीका, और इसका रूल है, जब किसी शब्द के अंत में यू ई दिया हो तब यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। जैसे रेस्क्यू, रेस्क्यू शब्द के अंत में यू ई आया है, इसलिए यू का कंसोनेंट साउंड यू होगा, इसलिए इसे रेस्क्यू पढ़ा जाता है, और रेस्क्यू मीन्स होता है बचाव या छुड़ाना। इसी तरह से आर्ग्यू, वेन्यू, रिवन्यू, रेटन्यू, क्यू, ड्यू। तो गाइस, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब शब्द के अंत में यू ई आए तब यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है।
गाइस अब समझिए यू का कंसोनेंट साउंड पढ़ने व लिखने का चौथा तरीका। और इसका रूल है, जब शब्द के शुरू में या बीच में ई यू दिया हो तब यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। जैसे यूरोप, यूरोप शब्द के शुरू में ई यू आया है इसलिए यू का कंसोनेंट साउंड यू होगा, इसलिए इसे यूरोप पढ़ा जाता है और यूरोप एक देश का नाम है। इसी तरह से यूलॉजी, फ्यूड, फ्यूडल, यूफनी, यूफोनेस, फ्यूल। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि जब किसी शब्द के शुरू में या बीच में ई यू दिया हो तब ई यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। गाइस अब समझिए यू का कंसोनेंट साउंड पढ़ने व लिखने का पांचवा तरीका। और इसका रूल है, जब किसी सिलेबल के अंत में ई डब्ल्यू दिया हो तब ई डब्ल्यू को यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। जैसे कर्फ्यू, कर्फ्यू शब्द के अंत में ई डब्ल्यू आया है इसलिए ई डब्ल्यू को यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे कर्फ्यू पढ़ा जाता है। और कर्फ्यू मीन्स होता है मनाही आदेश। इसी तरह से फ्यू, प्यू, ह्यू, म्यू, ड्यू, स्ट्यू, न्यू, रिन्यू। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब किसी सिलेबल के अंत में ई डब्ल्यू दिया हो तब ई डब्ल्यू को यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।